डॉक्टर साहब, मेरे दांत में बहुत ज्यादा दर्द है, मवाद बन गया है। प्लीज इसके लिए कोई दवा बता दीजिए। ऐसा आप लोगों में से 80% लोग का कहना होता है कि दांतों से मवाद आ रही है, जो मसूरे हैं वहाँ से मवाद आ रही है, एंड उसके लिए आप मुझे दवा बता दीजिए। अनजाने में ही सही, लेकिन बहुत सारे जो पेशेंट हैं जरूरत से ज़्यादा दवाइयों का डोज ले लेते हैं। धीरे धीरे उन्हें एहसास ही नहीं होता है कि वो कितना ज़्यादा दवा खा जाते हैं, इस सिर्फ छोटे से दांत के दर्द को दबाने के लिए, या फिर दांतों से मसूरों से जो मवाद आ रही है उसे दबाने के लिए। एंड ये नहीं समझ पाते हैं कि क्या ये जो दवाइयाँ आप जो एक्स्ट्रा डोज ले रहे हो, ये आपकी किडनी को भी नुकसान पहुंचाता है। तो गाइस, कैसे आप लोग, मैं हूँ डॉक्टर कंचन। आज का जो टॉपिक है, आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आपके दांत के जो मसूरे हैं वहाँ से मवाद आ रही है, यानी कि पस बन गया है, एब्सेस फॉर्मेशन हो गई है और वो बाहर की तरफ फ्लो हो रहा है, या फिर आपको बहुत ज़्यादा उसमें दर्द है या किसी भी तरह की परेशानी है, तो इसके क्या कारण हो सकते हैं, एंड साथ ही साथ इसके इलाज के बारे में भी इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। सो गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर चैनल पे नए हैं तो जरूर से सब्सक्राइब करिए एंड बेल आइकन को जरूर दबाइए, इससे मेरी जो भी नए वीडियो आएंगे उनका नोटिफिकेशन आपको मिल पाएगा। सो गाइस, आप यहाँ इमेज में देख पा रहे हैं, अगर आपके भी दांत के मसूरों की कुछ ऐसी हालत हो रखी है, यानी कि मवाद निकल रहा है, उसमें पस बन गया है, तो क्या ये प्रॉब्लम जो है अचानक से दांतों में हो जाती है? तो चलिए इस चीज़ को समझ लेते हैं। सो गाइस, आप यहाँ इमेज में देख पा रहे हैं, इसे हम मेडिकल टर्म में कहते हैं इनामेल केरिस। जब दांतों में सड़न होती है तो इसकी शुरुआत ऐसे ही होती है, आपके जो दांत के ऊपरी सतह होते हैं उनमें कैविटी होती है, उनमें सड़न होती है, जिसे हम आम भाषा में कीड़ा लगना कहते हैं। तो ये ऊपर की जो सतह होती है उनमें होती है और ये आपको देखने में काले काले से दिखते हैं। कभी एक पॉइंट के जैसे भी हो सकते हैं, कुछ लाइनिंग्स में भी हो सकती हैं, अलग अलग तरीके से होती हैं, या फिर दो दांतों के बीच में भी हो सकती हैं। तो जब आप शुरुआत में अगर आप अपने माउथ में केयर करते हैं, अपने मुंह की देखभाल अच्छे से करते हैं, तो आप देख पा रहे होंगे कि इस तरह के आपके दांतों में दिख रही है। तो जो लोग इस स्टेज पर इसका इलाज करवा लेते हैं तो उनकी जो परेशानियाँ यहीं पर ख़त्म हो जाती है, ये दांत उन्हें परेशानी करना बंद कर देता है। लेकिन जो लोग शुरुआती दौर में इसका इलाज नहीं करवाते हैं, तो ये जो प्रॉब्लम है आप के दांतों में है लेकिन आपको किसी तरह की परेशानी नहीं देती है। इस स्टेज पर कैविटी होती है, दांतों में सड़न होती है, तो पेशेंट को किसी भी तरह से परेशानी नहीं होती है, ना तो दर्द होता है, सेंसिटिविटी होती है, यानी कि किसी भी खाने पीने से चनचनाहट नहीं होती है। तो पेशेंट बेफिक्र रहते हैं कि हमें दांतों में तो किसी तरह की परेशानी नहीं हो रही है, हम डॉक्टर के पास क्यों जाए। लेकिन गाइस, यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि ये जो सड़न है वो वहां पर रुकी हुई नहीं है, जो कैविटी है, जो हमारे बैक्टीरिया जो दांतों में है, वो तो अपना काम रोज कर ही रहे हैं, यानी कि वो जो आपके दांतों, जो आपके मजबूत दांत है उसे और खोखला कर रहे हैं, उसे और सड़ा रहे हैं, यानी कि जो आपके दांतों की सड़न है अंदर की लेयर तक पहुंचते जा रही है। जब ये सड़न आपके दांतों के नसों तक पहुँच जाती है, दांतों की नसें क्या होती हैं, जैसे कि हमारे जो दांत है उसके तीन लेयर होते हैं, इनामेल, डेंटिन एंड पल्प। जो हमारी पल्प होती है उसके अंदर नसें होती हैं, जो हमारे दांतों में जो भी नर्व सप्लाई है, ब्लड का सर्कुलेशन। सो ये जब वहां पर सड़न पहुंच जाती है तब ये दांत आपको इंडिकेशन देना शुरू कर देते हैं, बताना शुरू कर देते हैं कि भाई अब जो सड़न है वो बहुत ज़्यादा अंदर तक पहुँच चुकी है। तब जाकर आपके दांतों में अचानक से दर्द होना शुरू हो जाता है, दांतों में झंझनाहट होने लगती है, आप जब भी कुछ ठंडा गर्म खाते हैं। तो ऐसे कंडीशन में भी बहुत सारे पेशेंट दवाइयों का सहारा लेते हैं, वो डॉक्टर को ना दिखाकर मेडिकल स्टोर से दवाइयाँ लेते हैं, पेन किलर ले लेते हैं, दर्द को वहीं पर दबा देते हैं। यानी कि ये जो ट्रीटमेंट होता है ये टेम्प्रेरी होता है, टेम्प्रेरी तरीके से आप अपनी जो भी प्रॉब्लम है उसे सप्रेस कर देते हैं, लेकिन ये उसका परमानेंट सोल्यूशन नहीं होता है। आपने उस स्टेज पे तो दवा खा ली एंड आपका दर्द नो डाउट ठीक हो जाता है, एक सप्ताह दो सप्ताह तक ठीक रहता है, आपको किसी भी तरह की परेशानी नहीं होती है, लेकिन फिर ये जो प्रॉब्लम है, जो इन्फेक्शन है, जब और अंदर तक जाती है तो जाकर आपकी जो मसूड़े होते हैं, जो दांत के पास की मसूड़े होते हैं, वहाँ पर पस का फॉर्मेशन होने लगता है, मवाद वहाँ से निकलने लगती है। उस स्टेज पे भी बहुत सारे पेशेंट क्या करते हैं, दवाइयों का सहारा लेते हैं एंड
वो कोशिश करते हैं कि हम दवा ले लें एंड वो जो हमारा दर्द है, जो मवाद बना हुआ है वो दब जाए। बहुत सारे केसेस में गाइस होता भी है, जब आप मेडिसिंस ले लेते हैं तो कुछ समय तक के लिए वो दर्द जो है वो बंद हो जाता है, लेकिन आपको एहसास नहीं होता है कि आप अनजाने में कितना ज़्यादा डोज मेडिसिन का खा चुके हैं। कुछ तो पेशेंट ऐसे होते हैं जो महीनों महीनों तक दवाइयाँ खाते रह जाते हैं, 1 महीने लगातार दवाइयाँ खाने हैं उस दर्द को दबाने के लिए। लेकिन गैस क्या आपने सोचा है कि ये जो एंटीबायोटिक है, जो पेन किलर है, आपके अदर बॉडी के पार्ट के लिए कितना नुकसानदेह होता है? ये जो दवाइयाँ होती हैं आपकी किडनी पर सीधा असर डालती है। अगर डॉक्टर भी आपको प्रिस्क्राइब करते हैं तो उसका एक लिमिटेड डोज होता है, या वो 3 दिन का हो, 5 दिन का हो, 7 दिन का हो, इस तरह से एक डोज को फॉलो किया जाता है, उसी हिसाब से डॉक्टर आपको वो दवाइयाँ प्रिस्क्राइब करते हैं। बहुत लंबे समय तक दवाइयाँ ये सारी नहीं चलती है, तो ऐसी गलती आप बिल्कुल भी ना करें एंड प्लीज अपने डॉक्टर के पास जाके जरूर कंसल्ट करें, जाकर दिखाएं। इसका अगर आप इलाज करवा लेते हैं तो परमानेंट तरीके से ये जो दर्द आपको बार बार हो रही है वो ठीक हो जाती है एंड आपको बार बार दवाइयाँ नहीं खानी पड़ती है। एंड गाइस बहुत सारे केसेस में क्या होते हैं कि पस बनने के साथ साथ मुंह में सूजन भी हो जाता है, तो सूजन के लिए भी आपको दवाइयों का सहारा नहीं लेना है, डॉक्टर के पास जाना है। अगर आपके माउथ में सूजन आ गई है तो वैसे केस में डॉक्टर पहले आपको मेडिकेशन देते हैं ताकि वो सूजन थोड़ा सा कम हो जाए, जो दर्द है वो कम हो जाए। वैसे कंडीशंस में दांत का ट्रीटमेंट नहीं दिया जाता है, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल हम पहले सूजन को कंट्रोल करते हैं, फिर उसके आगे इलाज को किया जाता है। अगर पस निकल रहा है तो वैसे केस में डॉक्टर आपको रूट कनाल ट्रीटमेंट एडवाइस करते हैं, जिससे आपका जो भी अंदर का इन्फेक्शन है वो 4 या 5 जो अपॉइंटमेंट होती है उसमें 1 बाय 1 उसे अच्छे से क्लीन किया जाता है एंड बहुत सारी दवाइयाँ अंदर दी जाती है, जिससे कि जो भी इन्फेक्शन है वो अंदर तक अच्छे से साफ हो जाए, जो भी बैक्टीरियाज हैं वो मर जाए एंड देन फाइनली जो दांत है उस पर रिस्टोरेशन करके एंड देन कैपिंग की जाती है। गैस नेक्स्ट तो डिपेंड करता है इसका ट्रीटमेंट कि आपके दांतों का कंडीशन कैसा है। अगर आपके जो दांत है, जो जड़े हैं, उन जो इन्फेक्शन है बहुत अंदर तक है और जड़ जो है पूरे सड़ गए हैं, दांतों में मोबिलिटी आ गई यानी कि दांत हिलना शुरू हो गया, मसूड़ों को छोड़ चुकी हैं, तो वैसे दांत रूट कनाल ट्रीटमेंट से भी नहीं बचाए जाते हैं, तो ऐसे कंडीशन में डॉक्टर आपको दांत निकालने की सलाह देते हैं। सो फ्रेंड मेरा आपसे यही एडवाइस रहेगा कि अगर आपके दांतों में सड़न होती है यानी कि कैविटी होती है तो आप शुरुआती स्टेज में ही उसका ट्रीटमेंट लीजिए, इससे जो आगे की बहुत सारी परेशानियां होती हैं आप उससे भी बच सकते हैं एंड रूट कनाल ट्रीटमेंट के जो बड़े खर्चे होते हैं आप उससे भी बच सकते हैं। अगर आपके दांतों में मवाद बन चुका है, सूजन आ गया है, तो ऐसे कंडीशन में आप अपने मन से दवाइयों के पीछे ना भाग के आप अपने डॉक्टर को जरूर कंसल्ट करिए। सो ये थे आज के वीडियो, आई होप कि आपके लिए हेल्पफुल रहा। अगर यस तो डेफिनेटली लाइक दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड यस अपने फैमिली फ्रेंड में जरूर शेयर करिए ताकि उन्हें भी हेल्प मिल सके। अगर आपके कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे बेशक कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं एंड अगर आपके किसी रिलेटिव की या फिर किसी के किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट करिए, मैं उस पर आपको वीडियो जरूर दूंगी। सो गाइस तब तक के लिए बी हेल्दी एंड बी हैप्पी। बाय।